दोस्तों नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार टीईटी 2017 का मार्कशीट कब तक जारी होगा। काफी लंबे समय से बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी बिहार टीईटी 2017 का मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कहा जा सकता है कि बुरी खबर है, थोड़ा दिन और इंतजार करना पड़ेगा मार्कशीट के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 25 अप्रैल यानी आज के दिन मार्कशीट जारी करने की बात कही गई थी बिहार बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा, लेकिन आज जो है मार्कशीट किसी कारणवश जारी नहीं किया जा सका। साथ ही मार्कशीट जारी करने में हो रही देरी को लेकर के सबसे बड़ा जो कारण अभी सामने आया है वो ये है कि टीईटी पास अभ्यर्थियों ने जो मांग किया है कि बिहार टीईटी 2017 के मार्कशीट पर इस बार आधार कार्ड से मार्कशीट को लिंक किया जाए और साथ ही बारकोड भी मार्कशीट पर अंकित होना चाहिए और उसके साथ साथ बिहार टीईटी के मार्कशीट पर टीईटी अभ्यर्थियों का फोटो भी होना चाहिए। इसलिए बिहार टीईटी 2017 का मार्कशीट 25 अप्रैल 2018 तक जारी नहीं किया जा सका है, या फिर यूं कहे कि मार्कशीट जारी करने में देरी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों के पूरे राज्य स्तर पर बैठक बुलाई गई है। अब देखना यह है कि टीईटी पास अभ्यर्थियों के द्वारा बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। साथ ही बिहार टीईटी का मार्कशीट अब अप्रैल में तो जारी नहीं किया जाएगा, मई के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जा सकता है। जी हां, मई के दूसरे सप्ताह तक बिहार टीईटी 2017 का मार्कशीट जारी कर दिया जा सकता है। हालांकि अभी कुछ मामला जो है हाईकोर्ट में भी फंसा हुआ है, लेकिन बोर्ड स्पष्ट तौर पर क्लियर नहीं कर रहे हैं कि मार्कशीट जारी करने में क्यों कर रहे हैं देरी। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों इस न्यूज में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।